Hey guys, hi, everybody. Hey guys, good, good evening everybody. How are Good evening. I'm so sorry. Um I'm late Every day I'm asking for forgiveness एंड यू बीन काइंड टू मी थैंक यू वेरी मच गाय थैंक यू सो मच एंड कौन कौन आ गया हमारे साथ यहाँ पे ऑनली गुड इवनिंग एवरीबरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे सब लोग आई यू ऑल गुड कैसे सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आनया शर्मा गुड इवनिंग हेलो मैम ओके आशीष गुड इवनिंग ऋतिक ज़ेब्रान, अलीज़िया, सौरभ ऋतिक आतिश तनु यश हर्ष हमजा दुर्गा डॉक्टर टैक ओके अनुज का दोबारा सी सॉरी रिदम दरा दरा नाम पॉप आउट हो रहा है यहाँ पे गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम ओके 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 लैपटॉप ओके गुड गुड इवनिंग एवरीबॉडी कैसे हैं भाई सब लोग रिवाइज रिवाइज कर रहे हो रिवाइज hmm? रिवाइज कर रहे हो ना क्लास uh, क्या कहते हैं सिलेबस के साथ अलाइनमेंट में हो ना पेपर नज़दीक आ गए हो ना जस्ट वन मंथ टू वन मंथ टू गो हाँ अप्रैल फर्स्ट अप्रैल हो गया आज हाँ सही है ना सब लोग अलाइनमेंट में है ना अलाइनमेंट में है, वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए बहुत अच्छी दो आपको बहुत हेल्प करेगी किसके लिए पेपर में दो वीडियोस बना रही हूँ एक वन मिनट एक फाइव मिनट की वीडियो बना रही हूँ ठीक है गुड खुश हो सब लोग आई यू ऑल हैप्पी लेट लेट मी मी सी सी यू यू गाइस गाइस हियर हियर या अप्रैल फूल नहीं है दिस इज दिस इज दिस इज लाइक द रियल थिंग ओके खुश हो सब लोग बढ़िया खुश हो दो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ बहुत अच्छे हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे पेपर में एक एजुकेशनल है एक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है मेंटल हेल्थ इज अ बिग बिग इशू यू नो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इज इट है ना मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं एग्जाम के रो नंबर लेके आओ ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, करो। पूरा फोकस करो अबे यार मेंटल हेल्थ भी तो कोई चीज है ना उसको तो सेम रखना है ना तभी तो सब कुछ हो पाएगा इज इट या सो वन फॉर दैट एंड वन फॉर द एजुकेशनल या सो वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल द लवली किड्स यहाँ पे और जो इसको बाद में भी देखेंगे सबको सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लेट अस जस्ट बिगिन आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का टॉपिक देखते हैं हम लोग आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कल हमने इसका प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस किया है आज हम करेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट तो क्विक क्वेश्चन तुम लोगों से सबसे पहले तो मेरा ये आइस ब्रेकर क्वेश्चन क्या

से डेली चैलेंजेस yeah, को ट्रिप मिल सकता है एंड द बेस्ट एंड दिन दोस्ट यू गोट टू बीत सी चेयर पे तुम बैठ सकते हो लुक एट दैटी अपनी कंपनी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी सीओ के कुर्सी बिठा दिए जाओगे so एंड यू कैन सी इट ऑन द सी ई का कुर्सी एंड यू कैन टेक द मेक द डिसू एक्चुअली वॉन्ट टू टेक ये हमारे गैजेट्स हैं जिसमें से आधों के मुझे ऑनेस्टली नाम भी नहीं पता है कि क्या क्या कहते हैं इनको सो so, आपको पता ही होगा कि इसको क्या क्या कहते हैं सो गिव दैट टेस्ट एंड विन ऑल दीज एक्साइटिंग प्राइजेस कैसे कर सकते हो आपको क्या कहना है वोट पर रजिस्टर करना है वोटर आई डी कार्ड आ जाएगा आपका फिर आपका वोट डेज पिक करो एक भी कर सकते हो तीनों के तीनों भी कर सकते हो इट्स अपारा

इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो काफी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट सारे के सारे पीडीएफ यहाँ पे अपलोड होते हैं ठीक है ये हमारे आज के सेशन का डिटेल है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या आज का टॉपिक रेडी है सब लोग आर यू ऑल रेडी आर यू ऑल रेडी गुड इवनिंग अभिषेक श्रीवास्तव गुड इवनिंग सब लोग रेडी है फटाफट जोर से दो यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा ढीला ढाला ढीला ढाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे चलो 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 चलो, चलो यस रेडी रेडी मैराथन भागनी हमको स्प्रिंट स्प्रिंट भागना स्प्रिंट रेडी है रेडी चलो चलो वेरी गुड लेट अस जस्ट स्टार्ट शुरू करते हैं फिर आज का हम्म तो देखो आज हमने क्या करना है आई एम टेलिंग यू आई एम फॉलोइंग द बोर्ड वाला थिंग मैं बोर्ड वाला पैटर्न फॉलो करके चल रही हूं ठीक है नीट के लिए आप प्रिपेयर कर हो उसके लिए भी हो जाएगा बट मेजरली आई आई एम एम कंसर्न अबाउट बोर्ड्स बिकॉज गोना स्किप सम टॉपिक्स आर लेस इंपॉर्टेंट ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं चलो शुरू करते हैं आज का तो बच्चे ये देखो इसमें आपको यही बताया गया है कि किस किस में बायोटेक्नोलॉजी मैंने क्या बोला था आपको कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि अब डाउनस्ट्रीमिंग कैसे होगी अब हम मार्केट बनाने मार्केट में जा रहे हैं सपोज तुमने एक प्रोडक्ट बना लिया ठीक है सपोज यहाँ से किसने मानसी ने एक प्रोडक्ट बना लिया अपनी लैब में प्रिपेयर किया सब कुछ है मानसी की टीम है ऋषभ है उसमें अभिषेक गुप्ता है उसमें प्रियंका है प्रियांशी है सब है अब बोल रहे हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसे किसी को सपना तो आएगा नहीं घर पे कि भाई इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो इसको जाके खरीदो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें तुम्हें उसकी अच्छी सॉलिड मार्केटिंग करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी ना तो सॉलिड मार्केटिंग करेंगे उसकी दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफकोर्स उसको प्योरीफाई करोगे एक्सट्रैक्ट करोगे दिस एंड दैट एंड ब्ला सो यस वो करोगे तुम तो, कैसे इसकी मार्केटिंग करके तो पहले तो देखो कि भाई किस किस में यूज होता है प्रोडक्शन द बायो फार्मास्यूटिकल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो फंजाई प्लांट्स मतलब ये सारा कुछ थ्योरी आपके ये समझने के लिए है ठीक है इसमें मेन इस पेज में, में क्या है ये लाइन ये तीन पॉइंट्स हैं क्या थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर तीन ऐसे बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल एरिया क्या क्या है पहला प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट अगर आप एक मेडिसिन बना रहे हो मानो कॉमन कोल्ड की मेडिसिन बना रहे हो तो आप बेस्ट बनाओ मार्केट में जो उसके जैसे उसके लेवल की कोई वो नहीं है तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट ठीक है इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव ऑर्गेनिज्म दूसरा क्रिएटिंग ऑप्टीमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट ठीक है मानो आपने कोई एक बनाया है ना जो कि आपका बायोलॉजिकल इंजाइम है तो उसको आपने बनाया है फिर उसके लिए ऑप्टिमल कंडीशन भी प्रिपेयर करना ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक बार प्रोडक्ट बना लिया फिर आपने दोबारा बनाना ही नहीं है आपको बार 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 आप इंसुलिन जनरेट कर रहे हो तो आपको बार बार करना पड़ेगा फॉर दैट यू नीड टू डू आपको ऑप्टिमल कंडीशंस बनानी पड़ेंगी नंबर दो नंबर थ्री डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्योरिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा उसको बेचना पड़ेगा तो तीन चीजें आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडी समझ आया सबको ठीक है तो अब हम चलते हैं बात करते हैं धीरे धीरे कि क्या क्या है इसमें अब देखो यहां पे इन्होंने बात की है कि हमारे पास तीन तरीके थे सबसे पहला तरीका क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का ठीक है उसके बाद उसमें क्या हुआ लेकिन सबका उसका उसका, नुक, उसका नुकसान क्या था उसका नुकसान ये था कि हमने पेस्टिसाइड यूज कर लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज किए बहुत ज्यादा ठीक है तो अच्छे नहीं थे मैग्निफिकेशन हो गई हमें दूसरा हमने यूज किया फिर ऑर्गेनिकार्मिंग पे पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ईल्ड नहीं आ पा रही थी इतनी पैदावार इतनी नहीं थी फिर हमने स्विच किया किस पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स पे तो इसमें आपको यही लिखा हुआ है इस सारे पैराग्राफ में आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसमें यही देखने को मिलेगा अब पॉइंट नंबर वन क्या है कि आप आपको इसमें कैसे याद रखोगे इसको आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि आप इसको हिंदी में यहां पे लिख लो कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है वॉट इज रिटन इन दिस पैराग्राफ ठीक है डन है तो ये आप कर सकते हो यहां पे नेक्स्ट है आपका ये लो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के क्या इट हैज बीन यूजफुल इन मेनी मेनी तो क्या क्या इसकी यूज है जेनेटिकली मॉडिफाइड वे क्या क्या हैं देखो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है देर कैन बी अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस ठीक है ये क्या कह सकता है क्या कह रहा है कि इट मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस नंबर वन ठीक है नंबर टू रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड जो कि सबसे बड़ा नुकसान था हमें यह मिला नंबर थ्री हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ठीक है तो ये हम लोगों को देखो सब्जेक्टिव में तुम्हें ना पॉइंट्स होते हैं लिखने के लिए राइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपने दो या तीन बार उसको पढ़ा हो ठीक है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स एंड एनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड फॉर एग्जांपल द गोल्डन राइस तो इतने भी आप पॉइंट्स लिख दोगे तो यू आर गुड टू गो कि क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के क्या आपके फायदे थे राइट right? समझ आ गया सबको अच्छा चलो क्विक क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे आपसे ये जो बैसिलस थ्रू जेनेसिस है पहली पहली बात तो ये हीरो है इस चैप्टर का द बैसिलस थ्रू एंड जेनेसिस इज हीरो ऑफ दिस चैप्टर राइट अब ये बैसिलस थ्रू जेनेसिस जो है जो बैक्टीरिया इसमें से टॉक्सिन निकला बीटी टॉक्सिन ये किसको मारने के यूज आ, किसको मतलब किसको किल करने के यूज यूज़ में आया ये जल्दी से बताओ चलो शाबाश हाँ हाँ हीरो ऑफ दिस चैप्टर है हाँ। किसको किसको बीट करने के काम आया ये इंसेक्ट्स को किसको बॉल वॉर्म्स को एग्जैक्टली exactly, इंसेक्ट हाँ वायरस इनके लिए तो तालियां हो जाएगी वायरस वालों के लिए हम्म हाँ ठीक है वेरी गुड कैन समबडी नेम थ्री उसके ऑर्डर्स के नाम लिख सकते हो

ठीक है चलो शाबाश तो यहां से हमने ये बीटी टॉक्सिन के बारे में इन्होंने यहां पे इंट्रोडक्शन दिया है राइट ठीक है उसके बाद ये देखो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो कि आपका बीटी टॉक्सिन है है ना जो बीटी उसको इसको लेपडोपट्रंस को कॉलिप्टन को डिप्टन को मारने के काम आएगा क्विक क्वेश्चन वंस अगेन चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं तुमसे <स्याँग>

Hmm. तो एक क्वेश्चन चलो इस चैप्टर को अदरवाइज हम लोग ऐसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या बीच में से है ना जब सपोज ये कहानी तुम्हें पता है बीटी कॉटन है ना इंडिया में यूज होने वाले सबसे पहली क्रॉप थी ये बीटी कॉटन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है जिसमें कॉटन के सीड को लेके हमने उसमें बीटी टॉक्सिन डाल दिया था दैट मीन प्लांट इट सेल्फ इज एन इंसेक्टिसाइड ठीक है तो कोई भी अगर इसका लेपिडो और लेपिडोपट्रिप्ट आते थे उसको खाते थे तो वो मर जाते थे लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम जो था अनसोल्व रह गया कौन सा जो कि एक नेमेटोड है है ना जी तो मुझे कोई बताएगा कि मेलिडोगाटा को मारने के लिए क्या बीटीटॉक्सिन काम करता है यस और नो डज इट वर्क मेलिडोगाइन डिडोगटा को मारने के लिए डज इट वर्क यस और नो जल्दी 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 सुन नो करता है काम कि नहीं करता है नहीं करता है वेरी गुड बिल्कुल नहीं करता एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly, exactly, नहीं करता है ये ठीक है तो मलिडोग को मारने के लिए क्या काम करता है चलो फिर चलो एक, एक क्वेश्चन में तुम्हें पूछा कि अगर सपोज मैं एग्जामल हूं मैंने तुम्हें क्वेश्चन डाला कि बेटा बीटी टॉक्सिन काम करता है तुमने बोला नो मैंने बोला देन वट क्या काम करता है मेलिडोग इन कॉग्निटा को मारने के लिए चलो <coughs> देखें जरा

दैट यू शुड हाँ दैट यू शुड बी सींग ऐसे ऐसे है चलो ठीक है एनी वेज तो ये है वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन चलो अगर बैसिलस क्या कहता है कि बैसिलस जो क्या करता है ये जो बी टी टॉक्सिन है विच इज एन एंडो टॉक्सिन ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता है चलो शाहबाज जल्दी से बताओ ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन होता है

वे मिलता है आपको मिड गट में है ना जहां पे क्रिस्टल्स उसके डिसॉल्व हो जाते हैं तभी तो क्राई है ना क्राई प्रोटीन अगर स्मॉल uh, सी है स्मॉल सी है देन इट इज फॉर जीन अगर बड़ा सी है देन इट इट इज फॉर प्रोटीन ठीक है दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट फॉर द लॉन्गर टाइम ओके सो स्मॉल सी क्राई क्राई मैंने क्या क्रिस्टल्स क्रिस्टल Crystal उसकी बॉडी में होता है लेकिन जब उसकी गट में चला जाता है तो क्रिस्टल डिजोल्व होकर फिर उसको एंडोथिलियम में, में जाके करके, उसके पोर्स क्रिएट कर देता है आई है? चलो वैसा है कि कि आप जानते हैं, इस पेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपने क्या नोट करनी है दैट इज देम द टॉक्सिंस इज कोडेड बाई अजीन क्राई वन ए सी नेम्ड क्राई मैं आपको पहले बता चुकी अगर इसमें स्मॉल सी है तो ये जीन है नंबर ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन इंकोडेडीट एंड क्राई वन एंट्रोल फॉर नीट एंड वन मार्क फॉर बोर्ड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और एक नंबर के लिए बोर्ड के लिए कि क्राई वन एसी और क्राई टू ए बी जो ये जीन है वो कॉटन बॉलवॉर्म को किल करते हैं क्राइ वन ए बी इज कलिंग कॉन बोरर एम आई मेकिंग सेंस टू यू यस यस और नो ठीक है समझ आ गया सबको या डन नो हो गया यस मैं फटाफट मैं भी चलो अच्छा मैं इस इस, इस, इस. <laughs> चलो आगे अगले पेज पे चलते हैं फिर पूछते हैं चलो फटाफट से आंसर दो तो मुझे क्राई वन एसी ध्यान सुनना है? क्राई वन ए सी इज यूज टू कंट्रोल विच कौन से उसके बॉम को कंट्रोल करने के काम आता है फटाफट फड़ से जल्दी से डन एंड डस्टेड हा विनीता ने आंसर दिया सबसे पहले मैम बॉल बॉल्वम कॉटन बॉल बॉलवम राइट वेरी गुड उड ऑफ ऑल ऑफ यू कॉटन बॉलूम इज एपसूल वेरी गुड बहुत बढ़िया और आइए आइए देखिए ये हमारे यहाँ पे मेहमान आ गए हैं कौन से अब आर एन एंटरफेरेंस मीन मै लीडो गिटाजर्ड इन टू दिक्कर या वेरी गुड ना लु गट दैट ना अब हमारे पहले हीरो की स्टोरी जो है कम खत्म होगी अब हमारा इंटरवल आ गया था बीच में अब हमारी सेकेंड स्टोरी चल रही है सेकेंड हाफ चल रहा है कहा होना प्यारा है देखिए तुमने कहा प्यारा देखिए किस किसने देखिए कहा होना प्यार है ऋतिक रोशन वाली मूवी देखिए जल्दी से बताओ जल्दी से फटाफट से रिलेटेड है यहां से जल्दी जल्दी लिखे कहा होना प्यार है देखिए कि नहीं देखिए यस और नो वैसे तो पुरानी मूवी तुमने क्यों ही देखी होगी वैसे देखिए यस और नो यस और नो कहा होना प्यार है देखिए ऋतिक रोशन का डबल रोल है ना उसमें नहीं देखिए आ तुम ठहरे मॉडर्न हम ठहरे बेचारे बूढ़े आदमी तुम ठहरे बेचारे जवान लोग तुमने क्यों देखी होगी उस मूवी में ऋतिक रोशन के दो रोल हैं पहला वाला ऋतिक रोशन मर जाता है फिर उसके बाद सेकेंड इंटरवल दूसरा लेकिन होता ऋतिक रोशन ही है तो बेसिकली ये दोनों ऋतिक रोशन ही है ठीक है बीटी जो बैसिलस थ्रू एंड जेनेसिस है ना बैक्टीरिया वो भी ऋतिक रोशन है पर मूवी के इंटरवल के पहले है ये मूवी के इंटरवल के बाद जो है ये आर एन ए आई इंटरफेरेंसिंग जो है ये भी मूवी का दूसरा हीरो है ठीक है है नहीं काम वही कर रहा है क्या पेस्टिसाइड क्या है ये पेस्टिसाइड कह सकते हो तुम इसको कैन दैट या ठीक है बट एनी वेज काम वही कर रहा है लेकिन इसका थोड़ा सा टारगेट अलग हो गया और वो अलग हो गया ठीक है सो इट इज जस्ट लाइक दैट हाँ चलो एनी वेज सो आर इन इंटरफेयरेंसिंग गाइज आर द सेकंड हीरो ऑफ दिस चैप्टर

मैडी का दोस्त होता है वो पता नहीं आई एम कोटिंग टू मेनी मूवीज आई डोंट नो वाई बट एनीस तुम ये मान के चलो कि हीरो का सपोर्टिंग ये फ्रेंड है गया गया है क्या करता स्पेसिफिक जीन्स वर दिस होस्ट प्लांट इज इट ठीक है ना एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से उस प्लांट में जाके इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया किसको को आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स को ताकि मलिडो गायन को मार सके राइट एग्रोबैक्टीरियम इज नोन एज नेचुरल डैश जल्दी से लिख के बताओ फटाफट से क्विकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज इज नोन एज जेनेटिक डैश जल्दी 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 रह रहना है तो दिल में मेरी फेवरेट मूवी है आज तक हम्म जल्दी 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 हां क्या बात है विनर ऑफ द हाउस हियर हमजा इज विनर ऑफ द हाउस ईयर जेनेटिक इंजीनियर इट इज नोन एज नैचुरल जेनेटिक इंजीनियर गाइस इज इट वैक्टर ऐसा मारूंगी ना पकड़ पकड़ के मैं वैक्टर वालों के लिए स्टोक लैप बेजती फील होनी चाहिए तुम्हें हो रही है नहीं हो रही है देन आई डेंट डू इट वेल इट इज नोन एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ठीक है एनी चलो गुड जॉब गाइज स्लो क्लैप स्लो क्लैप फॉर द पीपल है ना दो मिनट का मॉन एन लोगे एक्टर लिखा खाली ठीक है लिखा सही है बट यहां पे एक्ट नहीं था समझ गए तुम तो? चलो जल्दी आओ आई हैव आई आई नो यू कैन नॉट इवन टेक इट लाइक इट इज लाइक द आई डोट नो हाउ मेनी टाइम्स आई दिस चैप्टर इन यू गाइज आर डूइंग द सेम मिस्टेक आई कॉन्ट इवन टेक इट एनी मोर यू नो इट इज लाइक सो so, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से जिसमें कि एक टीआई प्लास्मिड होता है यू नो दैट टीआई प्लास्मिड स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड व्हिच हैज टी जीन्स टी जीन्स माने ट्यूमर वाले जीन्स ठीक है इसकी हेल्प से हम आरआईएसआई कॉम्प्लेक्स को इसमें डालते हैं इसकी वजह से निमेटोड जो है मर जाता है निमेटोड का नाम है मलीडोगाइन इनकॉग्निटा

साइलेंस कर देता है जो एम आर एन ए टारगेट एम आर एन होता है उसको साइलेंस कर देता है ठीक है चलो वेरी गुड तो हमें यहां से हम लोगों ने यहां से ये निकाल लिया चलो एक ऐसे रैंडमली क्विक क्वेश्चन बोर्ड के लिए नहीं है लेकिन नीट के लिए चलो फटाफट से पूछते हैं वर साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने uh, ये इस पे काम किया था मलीडो कैंड इनकॉग् पे काम किया था लेकिन क्या उन्होंने शुरुआत इसी से की थी इसी पे या कोई और निमिटोड पे उन्होंने काम करके देखा था जल्दी से बताओ डू ड्यूटी गड माई क्वेश्चन राइट वॉज इट मलिडो कैंड इनकॉग्टा ओनली वॉज द फर्स्ट वेयर दे एक्सपेरिमेंटेड और इट वॉज समथिंग एल्स एंड वी आर ऑफ द दउसर हमजा इज दिन ऑफ द हाउस सेनोरेबाइटिस एलिगेंस इज एबसोल्यूटली वेरी गुड बहुत बढ़िया Yeah. Yeah. Now, या दिस वी वी कैन स्किप बिकॉज ऑलरेडी हैव इट ठीक है चलो या नाउ बायोटेक्नोलॉजिकल देखो यहां अभी तक हमने तीन मेजर क्वेश्चन दो रादर पहला जो हमने पढ़ा था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या फायदा होता है क्या कंडीशन चाहिए होती हैं तो पहले दो तो हमने हो गए तो उसको मैं साइड में रख रही हूँ वेरी बेसिक उसके बाद हमने बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ा है उसमें से सबसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में क्या है कि कैसे मरता है वो बी टॉक्सिन कैसे एक्टिवेट होता है क्या इन्वायरमेंट चाहिए होता है तो आपको पता होना चाहिए अल्कोलाइन का टे वो सब चीजें और दूसरा वो क्राई वन क्राई टू जो भी है ना उसका पता पता होना चाहिए दैट इज द फर्स्ट केस द सेकेंड केस इज एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम टूमी पेशेंट आर आई एस सी आर एन ए इंटरफेरेंसी का दूसरा क्वेश्चन अभी तक हमने मेन दो क्वेश्चन पढ़े हैं ठीक है अब हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं यू गेटिंग यू गेडिंग इट राइट राइट ओके या तो देखिए बच्चा यहां पे हम लोग देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मुझे याद आता स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब मैंने एग्जाम्पल दिया था किसी के चाचा जी का पता नहीं कौन कौन था वो डॉक्टर नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका लड़के का जिसके चाचा जी का डीएनए लिया था हमने इंसुलिन बनाने के लिए मुझे नाम नहीं याद रहा उसका हाँ हिमुल जो भी है चलो उसका मतलब वो लिया था हमने एनीवेज anyway, पुष्पेंदर एग्जैक्टली yes, exactly, पुष्पेंदर का तो गाइज अब बात करते हैं कि अमेरिकन कंपनी है एली लिली कंपनी जो कि ह्यूमिलिन बनाती है ठीक है तो कितनी चेंज कोई क्वेश्चन इंसुलिन में कितनी चेंज होती है चलो शाह जल्दी से बताओ एक नॉर्मल इंसुलिन में कितनी चेंज होती हैं चलो पेप्टाइड चेंज चलो ये तो मैं ही बता देती हूँ एली लिली फटाफट से चलो एक दो या तीन फटाफट से जल्दी से मिलना सी अरे फिफ्टी तो अमीनो एसिड्स होते हैं ना दिनेश ने सही आंसर दिया है विनीता ने सही आंसर दिया है थ्री प्रतीक्षा करिए टू नहीं बचा तीन कितनी होती है तीन ए बी एंड सी कौन सी होती है ए बी एंड सी वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है हम्म जिसमें से कि एक चेन हमको नहीं चाहिए होती है वो इंसुलिन बनाने के लिए कौन सी चेन नहीं चाहिए होती है ए या बी या सी हाँ ए या बी या सी इसको कि, किसको हाँ प्रो इंसुलिन में तीन होती है वही वही हाँ कौन सी नहीं चाहिए होती है हमको सी वाली नहीं चाहिए होती है सी वाली हमको नहीं चाहिए होती है वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है हाँ जी तो इसकी कहानी मैंने इंसुलिन की आपको कई बार सुनाई दी है वैसे कि पहले हम पॉक या उसका बीफ में से उठा लेते थे पैंक्रियाज उसमें से ले लेते थे लेकिन चार अमीनो एसिड्स हमारे उनसे डिफरेंट है तो विद द टाइम हमारा इम्यून सिस्टम इस बात को जान गया

तो स्मार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये स्मार्ट सा डायग्राम बनाना पड़ेगा यू गेटिंग इट राइट ठीक है समझ आया आपको क्या बनाना पड़ेगा स्मार्ट सा डायग्राम बनाना पड़ेगा ए बी सी चेन के साथ में यू गेटिंग पॉइंट सो ए बी ठीक है ना और ये प्रो इंसुलिन वैसे बाय द वे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है इसमें ए पेप्टाइड प्लस बी पेप्टाइड प्लस फ्री सी पेप्टाइड जो है कि नहीं जुड़ेगा और इन दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा एंड देयर यू गो ठीक है कितना होता है इसमें ट्वेंटी वन और थर्टी ऐसे कुछ करके होता है ना ट्वेंटी फिफ्टी वन हो गया ना फिर थर्टी प्लस ट्वेंटी वन हाँ हाँ पाँच हो गया ठीक है तो ऊपर वाली में ट्वेंटी नीचे वाले थर्टी अमीनो एसिड्स एंड यू गो अमीनो एसिड्स यार दोनों को मिला के ट्वेंटी सी को हटाओ साइड में ठीक है तो ये है बस यार इसमें अली लिली कंपनी की कहानी लिखी उन्हें नाइनटीन एटी थ्री में और ये काफी इंटरेस्टिंग है और ईजी भी है और ब्ला 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 ये देखो ना लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग ए टू बी चेंज ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देन द प्लाज्मिट्स ऑफ द ई कोलाई टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन चेंज अगर कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि कौन सा बैक्टीरिया एज अ होस्ट यूज किया जाता है इंसुलिन को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए वो है ई e. कोलाई क्या है ई e. कोलाई ठीक है टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन ठीक है बाकी कहानी आप यही लिखी हुई है वैसे कहानी मैंने आपको बता दी है कि क्या है इसमें कि प्रो हार्मोन देखो यहाँ पे यही लिखा है इन्होंने एज अ प्रो हार्मोन प्रो इन्जाइम प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स अ फुली मेच्योर फंक्शनल विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल सी पेप्टाइड विच नीड टू बी रिमूव्ड सी पेप्टाइड इज एक्स्ट्रा मेरे को बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले आया बोलूँगी नहीं यहाँ पे ठीक है एक्स्ट्रास समझ जाओ एक्स्ट्रास का एग्जाम्पल तुम जो ले सकते हो समझ गए समझ समझे कि नहीं समझे एक्स्ट्रास के एग्जाम्पल समझे कि नहीं समझे हम्म, hmm. मैं नहीं बोलूंगी भाई ना ना ना, आई नॉट से नहीं समझे तुम तु, तु फिर सच में ऐसे और इसी के साथ हमारा चौथा हीरो इस चैप्टर का द फोर्थ हीरो ऑफ दिस चैप्टर पहला बीटी डॉक्सिन दूसरा RNA Complex, तीसरा, इंसुलिन, और चौथा हीरो बट um, एनी तो तो इसको हमने हीरो बना दिया बिकॉज इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है फाइनल इट इज इट डज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट यू नो दैट राइट ठीक है पता है ना सबको या yeah. hmm.

इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिकली है ना डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेंगे या बाहर से डालेंगे ठीक है ना उसको सही करने का कोशिश करेंगे राइट सो इट इज विद रिप्लेस करेंगे yes. इसको डिफेक्टिव जीन्स को जैसे स्किड एक बीमारी है सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी साइड में रखो एडीए डेफिशियंसी एडीनोसिन डी एमिनेज जीन की डेफिशिएंसी ठीक है कोई मुझे बता सकता है कि इसको जीन को थेरेपी को लाइक इसको आ, सही करने के लिए कौन से वेक्टर का यूज़ किया जाता है कौन किस चीज़ का यूज किया जाता है हमारी बॉडी में उसको भेजने के लिए चलो देखें जरा किस कितने कितनों को याद है हाँ न्यू जीन इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज किया जाता है <coughs> क्या बात है द विनर ऑफ़ हाउस एंड तो डिलीट कर दिया गया है रामशाह वेरी गुड जोचना वेरी गुड रेट्रो वायरस वायरस इज एब्सोलूट द राइट आंसर वेरी गुड यू कॉल ऑल जीनियस अच्छा अगला क्वेश्चन वायरस <clears throat> के टारगेट सेल्स कौन से होते हैं जल्दी से बताओ शाबाश रेट्रोवायरस के टारगेट सेल्स कौन से होते हैं रेट्रोवायरस जब हमारी बॉडी में डाला तो फिर उसके टारगेट सेल्स कौन से होते हैं क्या बात है ऑफ द हाउस राजकुमार यादव वेरी गुड टी सेल्स कौन से होते हैं टी सेल्स वेरी गुड हेल्पर टी सेल्स या राइट हेल्पर टी सेल्स या लिम्फोसाइट बेसिकली है ना एग्जैक्टली exactly. तो वहीं पे हमारा जो ये एडीए जो है वो मिसिंग होता है जीन जो कि एडिनोसिन एंजाइम बनाता है, है, वो मिसिंग होता है, तो उसके थ्रू हम उसको अटैक करवाते हैं ठीक है और हेल्पर टी सेल्स पे पे जाके अटैक करेगा, वो अपना जीन छोड़ आएगा और जीन जैसे छोड़ आएगा तो हमने वो डिफेक्ट को पूरा कर दिया, एक बंदा बीमार है ठीक है तुम्हारे तो पास पे एक पेशेंट आया उसको या था। तो यार बोला क्या किया जाए तुमने रेट्रोवायरस लिया उसको डिसाम किया, दिसाम मतलब उसकी को हटा दिया ठीक है उसमें तुमने डिफेक्टिव जीन रखा एडीए जीन और उसको बोला कि भाई साहब अपना ब्लड दीजिए आपने ब्लड लिया और उसमें डाल दिया और जैसे ही वो रेट्रोवायरस आपके ब्लड में गया उसने जाके उसको हिट कर दिया लिम्फोसाइट्स को वहां पे अपना जीन डाल दिया तुम्हारा काम बन गया नहीं हो राइट

क्या नाम है इसका डिसिल्वा नाम है, है ना <coughs> रोजी राजवीर टीटो इसको पकड़ पकड़ के रोजी है कहा से आते हो भाई तुम रोजी काव है वो रोजी इज अ इज अ गर्ल लुक एट दैट अबे मार ऐसी पड़ेगी ना पकड़ पकड़ के <laughs> बदतमीज <बत> <laughs> नलायक डिसवा बेटा ठीक है कोई बात नहीं बुरी मानने वाली बात नहीं है ऐसे दिल पे ले लेना लेकिन हा? दिल पे लेना जरूर लेना ताकि ऐसा चुभे कि दोबारा गलती ना है ना मेरे लिए ऐसे दो तीन वो निकल रही अंदर से बुरी आहे निकल रही होंगी कोई दिक्कत नहीं चलेगा ठीक है बट खुद को नहीं रोज ही बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाई इन्जाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी तो ये जो पहला बोन मैरो वाली सीन है मैं बच्चों आपको बता दूँ कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था वैसे एक ही बार सक्सेसफुल हुआ था और उसके बाद जब सक्सेसफुल होने की बारी आई तो बहुत सारे बच्चों को कई को कैंसर हो गया कई लोग आ, मर गए बच्चे कई लोगों को कुछ और बीमारियां हो गई सो इट हैज ऑनली गॉड सक्सेसफुल फॉर वंस सो आई ओपनर हियर दैट हा बायोटेक्नोलॉजी इज इन द बुक्स ओनली इट इज नॉट इट हैज नॉट बीन कम इन टू द प्रैक्टिकल लाइफ वेरी मच इट वॉज जस्ट अट एंड ट्रायल मेथड विच हैज गॉट सक्सेसफुल हिंदी में बोलती हूँ बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बुक्स में ही एग्जिस्ट करती है ये थ्योरेटिकल है अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कोई कोई तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन एज हमारे देश का भविष्य यंग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री यू शुड नो दैट राइट बिकॉज यू आर गोइंग टू चूज द फील्ड राइट सो यू शुड बी चूजिंग राइट आई एम नॉट से डोंट चूज बायोटेक्नोलॉजी बट या यू शुड बी नोइंग द बैक थिंग्स यू नो या सो एनी वेज तो चलो गाइज आगे चलते हैं फंक्शनल ए डी एस सी डी ए ने ब्लाबला ब्ला, क्या लिखा हुआ यहाँ पे हाँ ठीक है ये जो कहानी मैंने तुम्हें सारी सुना दी है ये 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 ब्ला ये ब्लाब लबला इसलिए बोला क्योंकि कहानी सुना दी तुम लोग को बोल बोल के ठीक है ना कि इसमें लिम्फोसाइट्स में डाला फिर वो पेशेंट के उसमें किया एंड फॉर द रिकॉर्ड इसको लिम्फोसाइट्स को बार बार निकाल के फिर उसमें जीन को डालना पड़ता है कुछ कुछ महीने बाद की प्रोसेस होती है इसको रिपीट करना पड़ता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन ठीक है बायोटेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए आगे चलते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस देखो ये ये पीसीआर के बारे में बताया हुआ पीसीआर के बारे में हम इतनी बातें कर चुके हैं मैं बोर हो गई पीसीआर से इसलिए आई एम स्किप इट ठीक है आई एम लीविंग इट अप टू यू बिकॉज पीसीआर वी हैव डिस्कस्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स राइट बस एक छोटी सी बात यहां पे बता देती हूँ जहां मुझे एच आई वी लिखा हुआ दिख रहा है पीसीआर एक ऐसी डिजीज को देखने के काम आता है जिसमें कि विंडो पीरियड चल रहा है लेटेंट पीरियड लेटेंट पीरियड इसमें कोई सिम्टम नहीं है ना ही हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बना रही है क्यों? क्योंकि पीसीआर yeah? तो ये आपका पीसीआर है आप कल पढ़ ही चुके हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एंड अलाइजा के बारे में बताया गया है द अर्ली डायग्नोसिस तो दो तरीके हैं और एक क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ मैं यहाँ पे अरे दिमाग में चला गया क्वेश्चन कहाँ आया था एक क्वेश्चन दिमाग में बड़ा अच्छा सा चला गया अब दिमाग से पता नहीं कहाँ गया अरे हाँ 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 आ गया, गया, गया। आ गया एच आई के एड्स के डायग्नोसिस के लिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है जल्दी से के बताओ चलो शाबाश यार मुझे भूल जाता है यार ऐसी क्या बात है हाँ फटाफट से बताओ यार हाँ Eli मैं मारूंगी ना ऐसा अलाइजा पागल हो गया अलाइजा फर्स्ट स्टेप है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर वेस्टर्न ब्लॉटिंग यार हम्म वेस्टर्न ब्लॉटिंग बेटा एलाइजा फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप पागल बच्चे ठीक है चलो या एनीवेज Uh, एनिमल्स तो. में नाम रोजी काउ का ठीक है हाँ ठीक है ना तो बेटा ट्रांसजेंडिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं अब हम लोग ऐसे एनिमल्स की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है हम उनके लिए व, वो यूज करते हैं उसको है ना जैसे कि एम फाइजीवा है उसको ट्रीट करने के लिए है ना तो वो करते हैं और रोजी काव तुम्हारा है और भी बहुत सारे हैं मतलब कि जैसे रैबिट्स के फर पे जैसे तुम्हारे कोई शैम्पू वैम्पू जो आते हैं मार्केट में मैं भी सैलून गई थी दो तीन दिन पहले तो सैलून वाला मुझे कहता है मैडम ये जो शैम्पू है ना कैरेटनीज पता नहीं कौन सा नया शैम्पू है इट इज द बेस्ट इन द मार्केट डिफरेंट स्टोरी बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा ये जो शैम्पू वैम्पू जो आते हैं मार्केट में क्रीम आती हैं तो ये पे इनके फर वर पे टेस्ट हुई होती है ना तो तुम्हारे को ऐसे नहीं आती है एनी वेज तो क्या कहता है कि सम ऑफ द कॉमन रीजनस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्योंकि क्यों किया जाता है ऐसा मैंने तुम्हें बताया कि ट्रांसजेनिक रैट होते हैं रैबिट होते हैं पिग्स और शीप आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सबसे ज्यादा क्या यूज होता है तो वो है नाइनटी परसेंट ऑफ ऑल दसिक एनिमल्स माइस आई टेल यू माई एमएसई का स्टोरी एमएसई में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दिस इज नो जोक फार्मा डिपार्टमेंट था हमारा उसमें कम से कम तीन मतलब एक पूरी बिल्डिंग में ना वो भरा हुआ था माइस वाइट माइस इट right, है ना सफेद चूहे तो सफेद चूहे वहां पे भर भर के होते हैं तो 95% फाइव परसेंट ऑफ द इसको है ना एनिमल्स एनिमल्स कहते हैं सो आर प्रोड्यूस्ड तो आपको पता है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को देखने के लिए है ना तो अब जब मैमल को देखना है तो अब तुम ये तो नहीं चाह सकते कि बार बार तुम हॉस्पिटल में चले गए और यू नो यू कैन नॉट स्टडी द स्टेजेस ना वाई डू यू थिंक एंड हाउ डू यू थिंक दैट हमें स्टेजेस पता चलती हैं कि ह्यूमन का बेबी अभी तुम्हें कोई लगता है कि कोई लेडी हुगनेंट एंड हुई टू गिव हर बेबी जस्ट लाइक दैट नो नो ह्यूमन कैन डू दैट राइट सो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ऑफकोर्स तुम्हें फिजियोलॉजी डेवलपमेंट को देखने के लिए तुम्हें मैमल्स को यूज करते हो रैट को करते हो रेबिट कर लेते हो एंड सो ऑन ठीक है तो ये यहाँ पे ये सोच लिखी हुई है स्टडी ऑफ द डिजीज डिजीज की स्टडी को इसके लिए बंदरों को यूज करते हैं इतने ज्यादा है ना बंदर मुझे याद है वो एम्स वाले एम्स um, like, तो वहां पर भी आ जाते हैं इवन इनफैक्ट चंडीगढ़ में पी जी आई में रखते थे बंदरों को तो बंदर भाग भाग के आते थे वहां से हॉस्पिटल से तो एनीस तो ये है इसमें एंड दीज आर स्पेशल ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ये इंपॉर्टेंट लाइन है टूडे ट्रांसजेंडिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीजेस कैंसर सिस्टिक आर्थराइटिस एंड तो इसको ये फिब्रोसिसमर्सो पूछ सकते हैं कि किस किस डिजीज के लिए करते हैं बिकॉज़ आपकी NCRT में लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी NCRT में लिखा है, तो आपको तो आइए जरा देखें आगे भी तुम्हारी रोजी का रोजी <laughs> <laughs> I was never this sarcastic before but you guys have made me Thank you so much for that Which I am not liking this part but anyways In 1997 the first transgenic cow Rosie produced the human protein enriched milk This is this grams per liter This milk contained the human alpha lactalbumin Which was nutritionally a more balanced product for the human babies Than a cow milk hai? So no. एक बात सुनो इसमें इस, इस का इस जो रोजी जो काव है इसके मिल्क में ये जो भी है ये अल्फा अल्फ़ाइल एल्बुमिन होता है वैसे जो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है ये जिन बच्चों को सो मैनी रीजन्स यू नो द मदर डाइड और इट वॉज़ अडोप्शन का केस है और थिंग्स लाइक दैट सो दिस मिल्क कैन बी गिवन टू दोज़ बेबीज ठीक है तो उसका वो पूरा रखता है उसका सेट रखता है उसका काम राइट ठीक है और ये हो गया देन उसके बावजूद

इट इज लाइक अ हाईलाइटर काइंड ऑफ अ थिंग इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें दो नंबर में ठीक है तो इसको कर लेना कि एम्फाइजिमा के लिए करता है तो नहीं है तो क्या करता है ठीक है सो इस इट इज लाइक दैट सो प्लीज नोट इट डाउन तो यहाँ से दो क्वेश्चन तुम्हारे आराम से बन गए पहला क्वेश्चन यहाँ से ये यह बन गया दूसरा क्वेश्चन बन गया और दोनों दो दो नंबर में है टू मार्क्स में आ जाएंगे तुम्हारे को ये अगर आने हुए तो एम्फाइजिमा फाइजीमा की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा रोजिकाओ के बारे में पूछ लिया ठीक है डन है हाँ तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए Anyways, so this was all that about the biological products and vaccine safety. You know the vaccine; everybody knows about after the Corona times, the pandemic. It is all over around the world. Yeah. So vaccine safety, guys. You know that it is being tested on number of mammals, like mice, may rabbits, may monkeys. May you know how it works, right? जैसे कोरोना की भी वैक्सीन तभी तभी तुम्हें पता है लोग डर रहे हैं हमारी बॉडी में बीमारी डाल दी जाएगी सो so एक्चुअली बीमारी डाल रहे है सो दैट आवर बॉडी गेट्स इम्यून टू इट राइट सो दैट दैट इज दैट एंड नेक्स्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग आई सो विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स तो ये इसका हाईलाइट हो गया टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स तो इसको जरूर तुम हाईलाइट कर लो कि क्यों है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कभी कभी आपको यही क्वेश्चन आ गया कि केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग बताओ जरा क्यों करी जाती है फर्स्ट थिंग किसके लिए टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स के लिए ठीक है बाकी यहां लिखा हुआ है uh, will to the ठीक है ठीक तुम इसको लिखा नहीं हुआ लेकिन तुम केमिकल के लिए लिख सकते हो तुम उसके लिए भी लिख सकते हो ये शैंपू हेयर प्रोडक्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ये सारा कुछ ये लिप बाम जो है मेकअप ये जो जितने फाउंडेशन आते हैं पता नहीं लड़कों को पता भी है कि नहीं है, है ना पता है ना वो जो थोपा होता है चेहरे पे ये सब एंड हेयर uh, के लिए शैम्पू बॉडी के लिए क्रीम्स एंड ऑल थिंग इज बी टेस्टेड ऑन एनिमल्स राइट बिफोर या अब नाउ दिस एनिमल राइटर स्लाइड इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं एंड आई एम इट इट हाईलाइटिंग नीट में यू गेटिंग माई पॉइंट नीट में क्वेश्चन पूछे जा, जा चुके हैं बहुत ही बेहद इजी क्वेश्चन है क्या है मैं बताती हूं आपको जी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी सिंपल क्वेश्चन कोई घुमा फिरा नहीं कोई मेहनत नहीं करते वो ठीक है हुँ. कोई मेहनत नहीं करते हैं सीधे सीधा क्वेश्चन उठाते हैं और यहां से क्वेश्चन उठाया और यूं ही ऐसे ऐसे ही डाल दिया जी के बेसिस पे कभी कभी तो भाई साहब फुल फॉर्म पूछी होती है लुक एट दैट हमारी काफी चीजें चोरी हुई भी इंडिया वाले सो रहे थे जब तक फॉरन वाले चीजें उनको आंखें खुल गई पहले सो so, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द जी एम रिसर्च एंड जीएम ऑर्गेनाइजिंग फॉर द पब्लिक सर्विसेज है ना तो उसके लिए भी है बायो पायरेसी वगैरह के लिए भी है और इसके लिए भी है कि भाई साहब कौन सा ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं बिकॉज यू नो बीटी टी ब्रिंजल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया मार्केट में क्योंकि लोगों को बहुत इश्यूज थे इस बात से कि अरे हमें एलर्जी होगी तो इज 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 वैलिड वेरी मच वैलिड ठीक है पतंजलि नलायक पतंजलि <laughs> पतंजलि <laughs> कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं नो नो ब्लेम बट या पतंजलि कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं एंड uh, इसमें काफी ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है और uh, इसमें वही लिखा है वही बेचारी हमारी मतलब रोना रोया है अपना मतलब कि हमारा एक बार हमारे पास बासमती हुआ करती थी फिर उसके बाद उसको अमेरिका वालों ने उस पर क्लेम कर दिया फिर हमने जाके उसको छीना यू नो सो दैट सैड स्टोरी दैट फाइटर स्टोरी एंड दैट द विक्ट्री स्टोरी या सो थिंग्स लाइक दैट यू कैन सी इन दिस पैराग्राफ वो तो काफ़ी ऐसे रोने धोने वाली स्टोरी है इसमें तो पढ़ लेना तुम ये तुम्हारे लिए ही है मैं नहीं पढ़ूंगी ये बिकॉज मेरा कोई रोने धोने स्टोरी वाले पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिलहाल नहीं है वैसे तो है बहुत है लेकिन अभी फिलहाल नहीं है तो राइस के बारे में बताया बासमती राइस इज डिस्ट्रिक्ट फॉर द अरोमा एंड फ्लेवर 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज इन इंडिया वो है एंड हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी देख रहे हो ये आता रोनर, लिख रहा दिस इज अ रेफरेंस टू बासमती इन द एंशिएंट एंशिएंट टेक्स्ट फोक लॉज एंड द पोएट्री

क्या क्या होता है मार्केट में ठीक है हाँ तो ये देख लेना भाई तुम हाँ तो ये वो ब्ला -ब्ला -ब्ला। फिर उसके बाद में हर्बल ये वो। तो ये काफी रोए तो ये, मतलब काफी इन्होंने रोने रोए इसमें I'm leaving it up to you. पढ़ लेना इसको काफी यार अच्छी इमोशनल स्टोरी लिखी है यहाँ पे प्लीज इसको पढ़ लेना अब फिर हम इन्होंने बायोपायरेसी के बारे में बात कर रहे हैं <laughs> नेवर एव थॉट दैट एनसीआर एनसीआर देख लिया ना तु, तुम्हारे कुछ नहीं बोलेंगे मुझे पकड़ के निकाल देंगे यहां से ठीक है हाँ तो यार है या अब अब क्या है बायो पायरेसी के बारे में बात कर रहे हैं टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायो दूस बानेशनल कंपनीज यहाँ पे यूएस लिखना चाहते थे लेकिन लिख नहीं पाए <laughs> पे एक पर्टिकुलरली यूएस लिखना चाहते थे लेकिन मल्टी नेशनल कंपनीज ठीक है एनीवेज <laughs> उटर ऑथरा फ्रॉम्रीजल दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है गुड मार्क्स जोक्स अपार्ट राइट याड रखना थोड़ा बहुत इधर उधर करना और इसको लिख देना ठीक है एनीवेज सो पोअर इन बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज In contrast, the developing and underdeveloped world is rich in the <laughs> yeah, really, you can bunk it. There has been growing realization of the injustice, <laughs> inadequate compensation, and benefit sharing between developed and developing countries. Uh, you can leave that also. Doesn't matter. Anyways, But the but not important for the examination point of view. The Indian parliament has recently cleared the second ah, good, 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 important.

हमने इसको इसी तरह से फिनिश कर लिया अभी और uh, काफी कुछ देखा हमने चार हीरोज देखे इस चैप्टर के बाकी बायो पेरेसी जी एक् और बायो पेटेंट्स जो हैं ये सेकेंडरी चीजें हैं ठीक है uh, तो disclaimer यही है ये बोर्ड्स के लिए तैयारी थी ताकि बोर्ड्स के लिए तुम्हारे को एक फाइनल रिविजन करके ना एक, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है मन में कि अरे हमने पढ़ा हुआ है ठीक है हाँ जी तो अब ये क्वेश्चंस पूछेंगे बेटा आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे अगले क्लास में मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ इसका बोर्ड्स का ठीक है एक सैम्पल पेपर लेके आई हूँ तो सैंपल पेपर सॉल्व कर दें आ जाओ ठीक है हाँ चलो सो so गाइज थैंक यू वेरी मच एंड सबसे पहले से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच तुम लोग आते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है मज़ा भी आता है एंड द थिंग इज की आप क्रैश कोर्स यस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यू कैन टेक इट इन जस्ट सेवन थाउजेंड रुपीज से oh, <laughs> anyway, हो गया थर्टी परसेंट ऑफ है आपको क्या करना है एम एस नीट कूपन कोड लगाना है एंड लिंक uh, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है क्या क्या मिलेगा आपको दो साल का सिलेबस कंप्लीट कर देगा अभी जल्दी ले लो अभी मतलब जस्ट एट दू नो एट द एज लाइन ठीक है तो आठ बजे से लेके ग्यारह के डाउट सेशन पूरे होंगे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स दिए जाएंगे, जाएंगे सब कुछ दिया जाएगा बेटा आपको तो क्रैश कोर्स की dates हैं ये 22 मार्च को शुरू हो रहा है 7 जून को एंड हो रहा है एक 5 अप्रैल को शुरू हो रहा है 17 जुलाई को एंड हो रहा है 12 अप्रैल को शुरू हो रहा है 24 जुलाई को एंड हो रहा है तीनों ही सिलेबस में कंप्लीट करा दिए जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें भी तीनों है इसमें भी तीनों है, इसमें भी तीनों है ठीक है तो गो एंड टेक इट बिल्कुल सही है जो आपके लिए जो सूटेबल है आज फर्स्ट अप्रैल हो गई फिफ्थ अप्रैल को है बैच वो गो एंड टेक इट ठीक है एमएस नीट कूपन कोड लगाना है आपको थर्टी परसेंट ऑफ मिल जाएगा ठीक है लेट स्टॉक फ्यूचर दैट तो गुड गुड जॉब एंड इफ ऑप गॉट ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप सो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना एंड uh, अभी क्या है लाइक शेयर एंड वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना अभी मिलते हैं हम लोग ठीक दस दस पंद्रह मिनट बाद मिलते हैं ठीक है एट एट फाइव तक आ जाना फिर तुम बोलते हो मैम तुम लेट कर दिया एट फाइव तक आ जाओ ठीक है एट फाइव तक आ जाओ लेट अस जस्ट कम एंड देन विल विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ओके चलो बाय 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 गाइस एवरीबॉडी गॉड ब्लेस यू ऑल बाय